मालिक मालिक, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा। छोटे मालिक को रंधावा परिवार फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे डर है कि कहीं उसके साथ कुछ कुछ गलत ना हो जाए। राठौड़ परिवार का एक स्टाफ भागते हुए आया और उसने आकर इस बात की जानकारी आर्य के सेकंड अंकल विराट राठौड़ को दी। तो इस वक्त अपनी यूनिफॉर्म में थे और ये उनकी ड्यूटी का समय था, जब ऐसे अचानक से विराट राठौड़ ने नौकर को दौड़ कर आते हुए देखा तो उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने उस नौकर से साइड में चलने के लिए कहा और फिर वहां जाकर उसे डांटने लगा। ये क्या बदतमीजी है और तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? तुम यहां पर नए तो बिल्कुल नहीं हो, फिर तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे की? ऐसे डायरेक्ट मेरे कमरे में कैसे घुस आए? विराट राठौड़ ने नौकर से कहा। विराट की डांट सुनकर उस नौकर की तो डर से हालत खराब हो गई। उसने तुरंत अपने हाथ पर जोड़े और फिर धीमी आवाज में उसने विराट राठौड़ से कहा, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, असल में बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। हमारे छोटे मालिक आर्य राठौड़ मुसीबत में हैं और अभी अभी मुझे ये बात गवर्नर मिस्टर आहूजा के स्टाफ से मिली है, इसलिए मैं भागता हुआ आपके पास आया इस बात की जानकारी देने के लिए। मुझे पूरा मामला तो पता नहीं लग पाया, लेकिन गवर्नर ने पुलिस की एक टीम बुलाई थी और ऐसा पता लगा था कि रंधावा परिवार आर्य राठौड़ को किसी लड़की के साथ बदतमीजी और उसके साथ गलत काम करने के जुर्म में फंसाने की कोशिश कर रहा है। उस नौकर ने आर्य राठौड़ के बारे में पूरी जानकारी देते हुए विराट से कहा, और हां जाते जाते गवर्नर के स्टाफ ने मुझे यह भी कहा कि मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे दूं। असल में मिस्टर रंधावा की गर्लफ्रेंड का उसके बेटे के साथ भी नाजायज रिश्ता था और उसने ही उस लड़की के साथ गलत काम किया है और आखिर में उसने आर्य को इन सब में फंसा दिया। विराट के नौकर ने गवर्नर के स्टाफ का मैसेज विराट राठौड़ तक पहुंचाते हुए कहा। ये सारी बात सुनकर विराट राठौड़ के तो होश ही उड़ गए। वो अपनी कुर्सी से उठा और उसने घूर कर अपने नौकर की तरफ देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखना, अगर इनमें से कोई भी बात झूठी निकली तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। विराट राठौड़ ने गुस्से में अपने नौकर को धमकी देते हुए कहा और फिर वो वहां से जाने लगा। उस नौकर ने डर के मारे अपना सर झुका लिया, लेकिन फिर गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसने फिर से विराट राठौड़ से कहा, मालिक रुकिए, मैं कुछ भी झूठ नहीं कह रहा हूं, हर किसी को पता चल चुका है। इसमें गलती आर्य बाबा की नहीं थी बल्कि रुद्र रंधावा की ही थी। उन्होंने जानबूझकर हमारे छोटे मालिक को फंसाने की कोशिश की थी, इसलिए तो छोटे मालिक ने गवर्नर की मदद से इस केस को फाइल कर दिया और इसलिए तो गवर्नर साहब ने पुलिस की टीम को रुद्र रंधावा के अरेस्ट के लिए बुलवाया था। विराट राठौड़ के नौकर ने उसे अपनी बातों पर यकीन दिलाते हुए कहा। जब विराट राठौड़ ने पूरी बात सुनी तब उसके जान में थोड़ी जान आई, लेकिन उसे पता था कि उसका भतीजा आखिर है तो बच्चा ही, इसलिए वो शायद अकेले इतने बड़े परिवार को संभाल ना पाए। इसलिए अब तो विराट को अपने परिवार के लिए वहां जाना ही था। रंधावा परिवार के पास जाने का मन बनाने के बाद विराट राठौड़ ने अपने स्टाफ से कहा, ठीक है,
तो फिर अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और हमारे वहां जाने की तैयारी करो। उसने अपने कुछ 3-4 स्टाफ को साथ लिया और फिर रंधावा परिवार के पास जाने के लिए निकल गया। जब वो आधे रास्ते में ही पहुंचा था, तब विराट राठौर ने देखा कि वहां पर लोगों की एक भीड़ इकट्ठा हो गई थी और वो लोग साथ में ही कहीं जा रहे थे। जब विराट ने पता लगाया तो मालूम पड़ा कि ये सारे लोग आर्य और मिस्टर वीरेंद्र आहूजा के साथ कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही आर्य की नजर अपने चाचा विराट राठौर पर पड़ी, उसकी सारी चिंताएं गायब हो गई और उसके चेहरे पर एक सुकून नजर आने लगा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने अपने चाचा को आवाज देते हुए कहा, विराट अंकल, अगर वो समय में पीछे जाकर इन सब चीजों को रोक सकता और रंधावा परिवार को इस मोड़ पर लाकर खड़ा नहीं करता, तब भी आर्य के लिए इससे बड़ा सरप्राइज नहीं हो सकता था कि वो अपने सामने अपने अंकल को इस वक्त देख रहा था। आर्य अपने विराट अंकल से बहुत प्यार करता था और वो काफी सालों से उनसे मिला नहीं था। परिवार की रक्षा करने के लिए ही वो इतने सालों से परिवार से दूर हो गए थे और फिर वापस उन्होंने अपने परिवार से रिश्ता भी नहीं रखा था। आर्य अब इमोशनल हो गया था और उसका मन भारी हो गया था। उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक और शब्द बोलेगा तो उसकी आंखों से आंसू फूट पड़ेंगे। उसकी आंखें तुरंत ही लाल हो गई और वो ऐसे कमजोर दिखने लगा जैसे उसने कोई बहुत भारी पत्थर अपने ऊपर उठा रखा हो। विराट राठौर ने अपनी आंखों से देखा कि उसके भतीजे ने अकेले होने की वजह से क्या क्या दुख बर्दाश्त किए और उसे भी तुरंत आर्य का दुख महसूस होने लगा। अब विराट से भी रुका नहीं गया, वो तुरंत भागकर अपने भतीजे के पास गया और फिर उसने उसका हाथ पकड़कर और कंधे पर हाथ फेरकर उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि अब वो उसके साथ है। विराट राठौर के आने से आर्य को और भी हिम्मत मिली और उसे इस बात से सुकून मिला कि अब ये लड़ाई उसे अकेले नहीं लड़नी पड़ेगी। आर्य को शांत करने के बाद विराट राठौर गवर्नर मिस्टर वीरेंद्र आहूजा के पास गए और उसने सीरियस और गुस्से से भरे एक्सप्रेशन से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर वीरेंद्र आहूजा, क्या मैं जान सकता हूं कि यहां क्या हुआ? और हां, मुझे पूरे केस की जानकारी डिटेल में चाहिए। विराट राठौर ने वीरेंद्र आहूजा से पूरी जानकारी मांगते हुए कहा। विराट, असल में बात ऐसी है कि इस केस में आर्य को गलत ठहराया गया और मैं उसके साथ हूं क्योंकि ये सारी घटनाएं मेरे सामने हुई है, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल इसे न्याय दिलवाऊंगा। गवर्नर मिस्टर आहूजा ने विराट राठौर को यकीन दिलाते हुए कहा, मेरा भतीजा एक सीधा लड़का है और उसने कभी आज तक किसी के साथ भी गलत नहीं किया और वो तो इतना अच्छा लड़का है कि किसी से उसकी गलती होने पर भी नहीं लड़ता। तो ऐसे में रंधावा परिवार को मेरे भतीजे से दुश्मनी क्या है? उन लोगों ने कैसे इतने बड़े मामले में इस मासूम को फंसाने की कोशिश की? मुझे तो लगता है कि इसके पीछे उनका कोई और ही मकसद है। अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, विराट राठौर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। गवर्नर वीरेंद्र आहूजा ने विराट को शांत कराते हुए कहा,
विराट, तुम्हारा तुम्हारा गुस्सा करना जायज है, लेकिन अभी ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। तुम फिक्र मत करो, हम सबने साफ साफ ये सारा मामला अपनी आंखों के सामने देखा है, और तुम आर्य की तो बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि जो लोग चांदनी का शोषण करने के मामले में इन्वॉल्व थे, हमने उनको पहले से ही पकड़ लिया है, और इसमें जयवर्धन रंधावा का बेटा रुद्र रंधावा भी शामिल है, और बाकी उसके ही परिवार के कुछ लोग और दोस्त हैं। तुम फिक्र मत करो, मेरे होते वो लोग कभी भी आर्य का गलत फायदा नहीं उठा सकते, और ना ही उसे फिर से इस केस में फंसाने की कोशिश कर पाएंगे। गवर्नर वीरेंद्र आहूजा ने विराट को यकीन दिलाते हुए कहा। गवर्नर की बुरी बात सुनकर विराट राठौड़ के तो होश ही उड़ गए। उसने आश्चर्यचकित होते हुए उससे सवाल किया, क्या उन लोगों ने ऐसा करने की हिम्मत की? मुझे तो लगा था कि उन लोगों ने सिर्फ मारपीट की होगी या फिर कोई दूसरा ही मामला होगा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये लोग किसी के साथ इतना बुरा कर सकते हैं, और यहां तक कि आर्य को फंसाने के लिए उन लोगों ने उस लड़की के साथ भी गलत कर दिया। ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करेगा। विराट राठौड़ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, वो गुस्से में कुछ करने ही वाला था, तभी आर्य ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया, और फिर वो जोर से चिल्लाया ताकि विराट राठौड़ अपने गुस्से से बाहर आ जाए। विराट अंकल, हालांकि अब तक आर्य खुद को भी ठीक से नहीं संभाल पाया था, लेकिन फिर भी वो विराट राठौड़ के गुस्से को कम करने में कामयाब हो गया था। फिर तुरंत उसने अपने अंकल को समझाते हुए कहा, हमें मिस्टर आहूजा के रास्ते में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी इसी वक्त कोर्ट जाना ज्यादा जरूरी है। आर्य ने अपने अंकल को समझाते हुए कहा। विराट को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उसने अपने भतीजे की आंखों में देखा, और उसे ऐसे लगा कि जैसे वो उसे कुछ इशारे करने की कोशिश कर रहा था। उसने तुरंत फिर आर्य के इशारे को समझते हुए मिस्टर आहूजा को जाने के लिए रास्ता दे दिया, और फिर उसने कहा, मिस्टर आहूजा आप चलिए प्लीज। मिस्टर आहूजा ने अपना सर हिलाया और फिर उसने तारीफ भरी नजरों से आर्य की तरफ देखा, और फिर आगे कोर्ट की तरफ बढ़ गया ताकि वहां जाकर इस केस की सुनवाई हो सके। अब विराट राठौड़ को आर्य से बात करने का मौका मिल गया था, इसलिए वो तुरंत ही आर्य को अपने साथ कोने में ले गया, और फिर उसने धीमी आवाज में अपने भतीजे से पूछा, यह क्या हो रहा है और क्या हुआ था, उस बारे में मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ बताओ। अपने अंकल की बात मानते हुए आर्य ने भी विराट राठौड़ को सारी बात बता दी, जो रंधावा परिवार में उसके साथ हुआ था, उसकी दोस्ती से लेकर इस पार्टी में इनवाइट करना, और सारे मामले के बारे में उसने खुलकर अपने अंकल को बता दिया, और फिर तुरंत उसने जल्दबाजी में अपने अंकल को कहा, अंकल अभी आपके पास समय है, इसलिए आप जल्दी से जाइए और कोर्ट में जज मिस्टर सुदीप बंसल को बुलाकर लाइए। आखिर आर्य ने गवर्नर और मिलिट्री के इस केस में होते हुए जज को बुलाने के लिए क्यों कहा? क्या ऐसा करने के पीछे आर्य का कोई लंबा मकसद है जो वो किसी को बताना नहीं चाहता? क्या इस केस में विराट राठौड़ की एंट्री के बाद आर्य का होगा फायदा?